12 साल से 13 साल की उम्र में हर युवा हर बच्चों का अपना एक अलग अलग सपना होता है। कोई कलेक्टर बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर, तो कोई इंजीनियर। लेकिन बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले बख्तियारपुर रईच का एक 14 साल का युवक कहें तो वो किसान बनना चाहता है और पिछले 2-3 सालों से वो खेती में जम चुका है। जी हाँ, नाम है प्रिंस कुमार और मेरे पीछे आप जो जिस युवा को देख रहे हैं ये वही प्रिंस कुमार हैं। तो प्रिंस कुमार से जानते हैं, प्रिंस कब से खेती कर रहे हैं आप? थोड़ा सा चाहे कैमरा नज़दीक प्रिंस जी को दिखाया जाए, कब से प्रिंस खेती कर रहे हैं? 2-3 साल से। 2-3 साल से खेती। किसी को डीएम बनना होता है इस छोटे से उम्र में, कोई बड़ा बड़ा सपना देखता है, आप खेती का सपना क्यों देखने लगे, किसान का? मुझे खेती में अच्छा लगता है। 2-3 साल से खेती, क्या क्या खेती करते हैं प्रिंस? मकई लगाते हैं, भिंडी, बोड़ा, परोर, नेनुआ, यही सब लगाते हैं। काफी का भिंडी लगाया हुआ है? हाँ। काफी लगाते हैं। हाँ। तो इसमें और कोई मदद करता है घर में कि आप अकेले? हम अकेले करते हैं, कोई दिक्कत होता है तो पापा पीछे सहयोग करते हैं। अच्छा, तो बीज उज का पता होता है कि एक बीघा में कितना बीज लगेगा, कितना है, सब आइडिया आ गया है कि अभी दिक्कत होता है? आ गया है। अच्छा, आ गया आइडिया। आइए चलिए आपसे बात करते हुए चलते हैं हम लोग। तो प्रिंस, एक बीघा में कैसे करते हैं? मक्का वक्का का लगाते हैं तो क्या करते हैं, कैसे लगाते हैं? पहले कल्टी करते हैं, फिर नोफारी करते हैं, उसके बाद जन से लगवाते हैं, खुरपी से। अच्छा, खुरपी, एक एक पौधा बीज लगवाते हैं। हाँ। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? एक इससे एक मेरे बिया को बचत होता है। और क्या फ़ायदा होता है? और बिया कम लगता है उसमें, खुरपी से लगने में बिया बचत होता है। बिया बचत होता है, उत्पादन पे वो सब ठीक रहता है, अच्छा रहता है। तो प्रिंस ये बताइए कि खेती, यार अब खेती तो कर रहे हैं तो ये 2-3 सालों से खेती कर रहे हैं। हाँ। तो कैसे विचार आया खेती करने का? खेती करने का कैसे आया विचार, कैसे बतिया तुम, कोई दिक्कत ना है हो? कैसे आया विचार खेती करेगा? कुल पहले पापा लोग करते थे तो हम सब भी थोड़ा बहुत करते थे साथ में, तो करते करते हम भी सब सीख गए। अच्छा, तो क्या क्या सब? ट्रैक्टर वैक्टर खुद चला लेते हैं ना? हाँ। ट्रैक्टर भी चला लेते हैं? हाँ। कब से ट्रैक्टर चला रहे हैं? बस यही साल भर से चला रहे हैं। साल भर से ट्रैक्टर चला रहे हैं? हैं, तो खेती खेत सब जोत लेते हैं खुद, आप खेती करते हैं? हाँ। कोई बीघा में कर रहे हैं खेती? 2-3 बीघा में कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ कमाई वमाई हो जाती है अभी आपको कि सब पैसा पापा ले लेते हैं, क्या आपको मिलता है उसमें से कुछ? मिलता है हमको भी। हैं, हमको भी मिलता है। कितना पा जाते हैं आप, कितना कमाई हो रही है? अच्छा ये बताओ दोस्त प्रिंस, कि बड़ी युवा जो है ना वो खेती से भाग रहे हैं, नहीं करना चाहते, उनको लगता है खेती में भविष्य नहीं है। अभी तो तुम्हारी उम्र है, तो तुमको ऐसा क्या लगा कि खेती में तुमको भविष्य दिख गया? हमको खेती में अच्छा लगता है। हैं, अच्छा लगता है करने में। ये आप ही लगाए हैं सब ना? तो इसके में अंदर में ही भिंडी तो लगाए, अंदर भी लगाते हैं क्या सब्जी देख रहे हैं? लगा तो है नेनुआ वो शायद लगाया ना? अंदर भी है, परोर लगल, जीवनी लगल, सब है अंदर ही। अंदर भी इसमें लगाते हैं, तो इसमें लगाते हैं तो दिक्कत नहीं होता है? नहीं। कितना फायदा हो जाता है अंदर लगाने से? वो तो फलता होगा तो पूरा मकई के पे तो पूरा वो चढ़ जाता होगा ना? मकई पे फरता है चढ़ के। हाँ, तो मकई को दिक्कत नहीं होगा? नहीं, नहीं होता है दिक्कत। तो स्कूल स्कूल जाते हैं? नहीं। हैं, तो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे अभी जाने का मन नहीं करता है। जाने का मन नहीं करता है? यार ये कैसे, जाने का मन क्यों नहीं करता है? स्कूल जाने के डर से तो आप खेती नहीं कर रहे हैं? नहीं। हैं, देखिए किसान तक नहीं चाहेगा कि ये स्कूल ना जाएं, और हम इनसे आग्रह भी करेंगे कि स्कूल जाएं, क्योंकि प्रिंस बड़ी दिक्कत समय ये है कि आने वाला समय जो है ना आधुनिक तकनीक के मदद से खेती की जा रही है, और उसमें पढ़ाई लिखाई बड़ी ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई नहीं जान पाओगे तो सरकार की तमाम योजनाएं और बहुत कुछ जो चलती हैं उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में पता है आपको, सरकार की योजना के बारे में? नहीं। तो इसीलिए कह रहा, पढ़ने जाओगे तभी तो पता चलेगा ना कि खेती में नया नया चीज़ क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, वो आपको नहीं पता चल पाता है। तो क्या आगे से जाएंगे कि नहीं जाएंगे पढ़ने? जाएंगे। हैं, जाएंगे। कि मुझसे कैमरे के सामने बोल रहे हैं आप, फिर बाद में नहीं जाएंगे तब? नहीं, जाएंगे। जाएंगे पढ़ने ना? तो हाँ। कितने दिन से पढ़ाई छोड़ दिए हैं? यही 5-6 महीना से छोड़ लें। 5-6 महीना से पढ़ाई छोड़ दिए हैं? कौन क्लास में पढ़ रहे थे? सतवां में। सतवां में से पढ़ाई छोड़ दिए हैं? अच्छा,
तो पढ़ाई छोड़ दिया, तो पढ़ाई अब जाइएगा ना पढ़ने। हैं ये सही है यार, पढ़ना जरूरी है ना, बिना पढ़ाई लिखाई के आज के समय में खेती में भी आपको फायदा नहीं भी दिखेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही कुछ नया करेंगे। आइए आगे आगे, तो ये बताइए खेती में कुछ अभी नया सोचे हैं और कुछ करने के लिए प्लान कर रहे हैं? हाँ, क्या इसके बाद बोलो बोलो क्या सोच रहे हैं प्लान करने के लिए खेती में? हाँ? सोच रहे हैं इसमें इसके बाद लगाएंगे राई। राई? हाँ। अच्छा, और कुछ नया सोच रहे हैं नया चीज़ करने के लिए? नया तो अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं करने के लिए, अभी कर रहे हैं, शुरुआत ही किए हैं, है ना? कहने का मतलब भाई फसल कटेगा तो फिर नया करेंगे। अच्छा, कुछ नया नहीं सोच रहे हैं, अभी शुरू किए हैं, खेती में अच्छा लगता है इसलिए खेती कर रहे हैं, है ना? अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन स्कूल जाना चाहिए आपको, स्कूल जाइएगा, है ना? हम इसका आपका नहीं सपोर्ट करेंगे कि आप खेती कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, खेती करिए, खेती में अलग अलग प्रयोग करिए आप, अभी उम्र कम है, बहुत आगे बहुत कुछ करेंगे, लेकिन पढ़ने जाइए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी संभव होगा, है ना? हर सरकार की जो भी योजनाएं हैं, क्या कुछ नया हो रहा है, ये सब कुछ आपको पढ़ाई से ही मिलेगा। तो सातवीं के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर कल्याण नहीं है। एग्रीकल्चर से पढ़िए, बीएससी ये जी तमाम तरह के कोर्स हो रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में नया नया चीज़ पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ नए नए मिल जानकारियाँ मिलेंगी, है ना? तो पढ़ने जरूर जाइए। तो पढ़ने जाएंगे पक्का? हैं? तो जी हाँ, तो ये है प्रिंस, और ये प्रिंस की थी कहानी, अभी शुरुआती है, शौक किसानी में जगा हुआ है, अब देखना होगा कि ये प्रिंस का ये शौक कब तक और कितने समय तक लगातार चलता है, और खेती में आने वाले समय में प्रिंस क्या क्या कुछ नया करते हैं। अभी है, अभी बहुत कुछ खेती के तमाम कई चीज़ों की जानकारियों से थोड़े से है उनमें कमी, लेकिन उनके साथ उनके पिताजी हैं, हम उनसे भी चाहेंगे कि आप आ जाइए थोड़ा सा, और उनसे भी बात करेंगे कि ये प्रिंस की कहानी क्या है, सही में खेती करते हैं या क्या है, ये चीज़ें बताना भी ज़रूरी है कि प्रिंस का एक जो बातें हुई अभी तक से थोड़ी सी चीज़ें हैं कि खेती में बहुत कुछ चीज़ें जो है इनको सीखना है। आपका नाम? हमारा राजीव कुमार सिंह हुआ। आपके ही बेटे हैं जी? तो ये खेती ये कर रहे हैं पिछले? ये खेती जैसे हम करते हैं, लेकिन बीच में हमारा थोड़ा सा सहयोग भी देता रहा, तो बीच में हम 2 साल से खेती लेस कर दी, हम नहीं करते हैं, कुछ और धंधा में जुड़ गए हैं, तो खेती इसी पर रहता है। और लगवाना और ये फसल का देख रेख हुआ, ये जैसे अभी मकई में कुछ दिन पहले वो गपटू का शिकायत आ गया था, तो फिर हमसे बोला, तो हम फिर बाज़ार से उसको छिड़काव ला के इसको दिए, अपने से मशीन से पूरे खेत में यहाँ से वहाँ तक छिड़काव किया है, तो कुछ सुधार भी मकई में आ गया है, और हम इसका पीठ पर रहते हैं, सहयोग करते हैं, बाकी तो अपना ट्रैक्टर विक्टर है, तो ये खेत की जुताई जुताई उताई जो भी है ये मोटा काम है पूरा ये खुद कर रहे हैं। खुद करता है जो बाकी, हाँ बाकी जो जैसे मकई हो गया, हाँ। तो मकई में ये कल्टी कर लेता है, हाँ। नौफारी कर लेता है, हाँ। और दोबारा उसमें चौकी दे के छोड़ देता है, जैसे ये जिंदरा का पाता लगा देता है, फिर ये अपना जन 5-7-8 को जन रखे हुए हैं, मतलब पूरा खेत रोकर धीरे धीरे जिम्मेवारी ले रहे हैं। हाँ, ये 2 साल से जिम्मेवारी पूरे लिए हुए हैं। आप उस पर बताते रहते हैं? हाँ, बीच में अगर कुछ शिकायत आता है तो हमको बोलता है, तो हम उस पर ध्यान थोड़ा सा नहीं जा रहा है। ये पढ़ने के लिए हम लोग तो पूरा जोर दे रहे हैं, ट्यूशन भी धराए हुए हैं, एक लड़का और छोटा है इससे, वो ट्यूशन जा रहा है, वो पढ़ने भी जा रहा है। ये नहीं जा रहे हैं? ये नहीं जा रहा है, इससे बड़ा भाई है, वो अच्छा पढ़ाई कर रहा है। ये काहे नहीं जा रहा है, बताए नहीं? अब वही तो है, माने मेरे 3 लड़का और एक लड़की है, तो माने 4 गो हो गया, 3 लड़का एक लड़की, तो 3 गो पढ़ाई में ठीक है, यही नहीं जाते हैं। ये नहीं जाते हैं, बहुत प्रेशर भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहा है। ये कहे हैं अब जाओगे ना? हो टीवी पे दिख रहा है दोस्त, किसान तक भी बोल रहे हो, और नहीं जाओगे तो फिर दिक्कत होगा तुम्हें, है ना? बोले हो, और तुम्हारे फायदे के लिए बताया जा रहा है, हमको या आपके पिताजी को कोई फायदा वायदा है नहीं? हम तो रोज माने बराबर कहते हैं, शाम में भी बोलते हैं, करो सुबह भी लोग का ट्यूशन है, जाओगे ना? सुबह 7 बजे का उसका ट्यूशन है, छोटा से छोटा। सर हम चाहेंगे कि एक टून का वीडियो जब स्कूल जाए तो वीडियो हमें बना के भेजिएगा, कि हम किसान तक भी दिखाएं कि ये हमारे कहने पे हम इन पे ये पढ़ने जा रहे हैं, है ना? तो खेती तो कर रहे हैं प्रिंस पिता के सहयोग के साथ, अब कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेवारियां धीरे धीरे प्रिंस लेना शुरू कर चुके हैं। अब तकनीकी जो कुछ जानकारियां होती हैं खेती में रोग या तमाम चीज़ों को, उसमें पिता का सहयोग मिल रहा है, लेकिन प्रिंस का कहना है कि खेती उन्हें अच्छा लगता है, और जो कोई को किसी को कुछ बनना हो, लेकिन मुझे किसान बनना है। तो किसान और उन युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा बन सकते हैं प्रिंस,
शुरुआत अभी श्री गणेश हुआ है खेती में, लेकिन उन युवाओं के लिए भी कहना चाहेंगे कि अगर आप खेती या किसी खेती को एक अपना पैशन के तौर पे करेंगे तो जरूर है कि आपको उसमें बेहतर कमाइयाँ या बेहतर भविष्य आपकी बनेंगे। तो आप भी करिए और खुशहाल रहिए, क्योंकि खेती ही आपके जीवन और हमारे जीवन जीने का सहारा है, क्योंकि यहीं से अन्न आता है और इसी अन्न को खा के हम जीवित रहते हैं। तो खेती और किसानी से लगातार नाता जोड़िए, अपने क्षेत्र में अपने आसपास जो जो भी छोटा सा ज़मीन है उसमें जरूर कुछ ना कुछ करते उपजाते रहिए। किसान तक के साथ मैं अंकित सिंह, पटना बख्तियारपुर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।